Ninh Binh Vietnam। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत। और अभी हम बस में आ चुके हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद चेकआउट कर लिया है, चेकआउट भी किया है। होटल में स्टे करेंगे करीब 3 नाइट। कल रात रुके थे, आज रात भी रुकेंगे। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं निन बिन, हनोई के निन बिन डोर पे। पूरे दिन का ट्रिप होगा और बस लगते दिखाया मिलेंगे। एक बार बस दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। काफ़ी लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से और देखते हैं। 2 घंटे की ड्राइव है जहाँ तक मुझे पता चला है। भाई साहब, ये वाली चीज़ बहुत ही अमेजिंग लग रही है। इसके अंदर ट्रैफिक का पूरा स्क्रीन आ रही है, जो आगे पीछे बस के सब लोग चल रहे हैं। ये देखो, स्क्रीन लाइट चल रही है। इसके अंदर कुछ भी ट्रैफिक आएगा तो इस स्क्रीन में आ जाता है। गुड। तो अभी हमारी बस में थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला है। तो 1 घंटे बाद हम लोग वेट कर रहे हैं। तो 1 घंटा वेट करके चाय कॉफ़ी पी के फिर निकलेंगे। सो ब्रेक टाइम इज़ ओवर नाउ। अपनी बस में लोग चढ़ रहे हैं। सो आई थिंक 5-6 लोग तो जापानीज़ हैं, कुछ इंडियंस हैं और कुछ वियतनामीज़ भी हैं। और अभी महाराज आइसक्रीम खा रहे हैं। चलते हैं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। मुझे तो काफ़ी लग्जरी बस लगी है। बाकी आप लोग बताना आपको कैसी लग रही है। तो यहाँ पर हमें रुक गए हैं और ये एक्टिविटी करा रहे हैं। साइकिल, ओके। सो वी आर गोइंग फॉर द साइकिलिंग। हाँ, साइकिल को बाइक बोल रहे हैं। तो साइकिल हमें लेनी है और हम 4 किलोमीटर चलाएंगे अभी। हाँ, बहुत ज़्यादा। रेडी? हम देंगे कौन से भाई? सो संगी जाएगी बस से और मैं और अभी जाएंगे इस साइकिल से। और हम दोनों की साइकिल रेडी हो गई है। यहाँ पर इतनी सारी साइकिल्स है, साथ के साथ रिपेयर भी कर रहे हैं और एयर प्रेशर भी डाल रहे हैं। आई थिंक हॉर्न आ गया है। या कमिंग आवी, कम फास्ट। आवी को कैप लेने के लिए भेजा था मैंने, ताकि कैप लेके आ जाए। फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मुझे मेरी वाली दे दो। उसको बोल, सीट ऐसी होती है। चलो लेट्स गो। मैं और आवी स्ट्रगल करते हुए साइकिल के साथ, क्योंकि साइकिल बहुत कम चलाते हैं। और आज टोपी उड़ रही है। आवी की टोपी एक बार उड़ चुकी है पहले ही, लेकिन मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना अमेजिंग व्यू है। और यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन पहले दे दी थी टूर गाइड ने कि हमको राइट में चलानी है साइकिल। आवी आजा। अच्छा, धीरे चलाऊँ? सब लोग चले जाएँगे। चलो आगे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, है ना अमेजिंग व्यू। मैं तो हवा भरवाई है, आपने करवाई क्या हवा? ओ, आप भी करवा लेते, लेकिन आपकी सही थी हवा। हो सकता है फिर आपकी ब्रेक लग रही हो। मैं ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये रिवर साइड भी है यहाँ पे। ये देखो, मस्त एक्सपीरियंस है। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। आ जाओ, स्लो गो स्लो, नॉट वेरी फास्ट। हमारा पूरा ग्रुप आगे और फ्लैग लेके हमारा टूर गाइड सबसे आगे। ये सो मैं और आवी महाराज यहाँ पर रुक चुके हैं। ये देखो, और आवी थक गया। आवी, तू टायर्ड फील कर रहा है? आपको फिटिंग ले सकते थे बास्केट वाला ना, लेकिन उन्होंने बोला कि बास्केट वाली जो साइकिल है वो गर्ल्स यूज़ करती है, इसलिए मैंने यूज़ नहीं की। बट It's okay. We are having fun. Did you have fun? Yes, amazing. Amazing, liked it? Yeah, very much. साइकिल यहाँ पार्क कर दी है भाई। लेट्स गो। वी फ्रॉम ओमान। वी आर रिच कंट्री। हमारी साइकिल पार्क कर दी है सबने और अब बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर आपको वॉक करके जाना है। तुमको चलानी साइकिल? भूल गए साइकिल चलाना। इन्हें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है कि इनके वियतनाम में ड्रैगन एंड यूनिकॉर्न, टर्टल, फिनिक्स ये बहुत ही ज़्यादा होली माने जाते हैं। सो दैट्स व्हाट ही टोल्ड अस। और एक ही टेंपल है यहाँ पर विजिट करने चाह रहे हैं संगी और आगे मैं भी साथ में। ओके हेड उतार ली है, लेट्स गो। तो आ भी नहीं रहा है यार। वीडियो बना रहे हो? देखना फोन अंदर ना रह जाए। उनके सिर पे क्या वो टोपी? वो उनके वो छतरी बोलते हैं, टोपी बोलते हैं, कुछ भी। ये देखो लग रही है ना कैप जैसा बिल्कुल। ये ज़्यादातर किंग के ऊपर ऐसे होता था यहाँ पे। वहाँ नहीं गए थे हम म्यूजियम, उसने भी दिखाया। स्टूडेंट्स कहाँ से हैं भैया? यू आर फ्रॉम वियतनाम? इनके फोन अलाउड है, बढ़िया है। हाँ सही है, बढ़िया है, एंजॉय कर रहे हैं हमारे यहाँ ना। तो भाई साहब यहाँ पर तो हमारे ग्रुप में काफ़ी लोग फ्रांस, मलेशिया और कहाँ से ग्रीस और जापान, तो हमारी बस में बैठे हुए हैं। हमें नहीं पता, क्या पता है, इंडिया के तो है ही खैर, अपना देश महान। चलो यहाँ का हमारा टूर हो गया है, अब अपनी साइकिल पिक करनी है। साइकिल पिक करके जब अभी हम जाएंगे ना मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे भी न्यू साइकिल मिलेगी। अच्छा हो सकता है कुछ लोग ऐसे आते होंगे तो वहाँ पे ले लेते हैं। हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो साइकिल पिक करते हैं। इस बार आपने अपनी साइकिल मुझे दे दी है। हाँ अब आप चलाओ, अब आपको पता चलेगा। तो मतलब ब्रेक है क्या मेरी वाली में? हार्ड है, आप मान ही नहीं। कोई बात नहीं, हार्डशिप करके 2-4 किलोमीटर ही जाना है, कर लेंगे। सह लेंगे। वो देखो डेडिकेशन, सबकी फ़ोटो क्लिक करके बेच रही है कि हो सकता है कोई ख़रीद ले। 100 रुपये इंडिया, 100 रुपये इंडिया में दे रही है वो। हमने तो ले ली भाई, हमने बोला चलो। किसकी? अच्छा उनकी चेन उतर गई, ठीक कर देगा वो। डेडिकेशन देख रहा अभी, आंटी की डेडिकेशन पैसा कमाने के लिए। हमें उन्होंने ज़्यादा नहीं दे दी ना। 100 कितने का? 338। दैट इज ओके, बट 1 लाख कितने का? 338 ना। 1 लाख बहुत है, तो हमने 3 लिया इसलिए। उनको एक ही 100 के बीच। हाँ तो वही बात होगी, 38 रुपीज़। उन्होंने $3 बोला था, $3 या $4, जो कि 80 के हो गए। ठीक है सही। तो वो बोल रही थी अरे यार पापा वैसे डॉलर देते सस्ता। उसने 5 डॉलर मांगा था, मतलब इक्वल ही था। नहीं सेम, 4 मांगा था, मतलब 18 रुपए। 32। हाँ 32, 320 होता। अभी हमने 338 दिया। हाँ सेम, उनको सब पता है भाई, कैलकुलेट करके रखते हैं कि किसको कितना देना है। ओके स्लो डाउन। आते वक्त तो रास्ता चेंज कर दिया भाई ने, ये हमें एडवेंचर करवा रहे हैं। सही चल रहे हैं अभी, अब स्मूथ है। रॉक्स में तो वैसे भी तेज चलाना। अच्छा डिफरेंट एक्सपीरियंस है भाई, चला के कहाँ से लेके जा रहा है। साइकिल ग्रुप अलग जा रहा है और बस ग्रुप वहाँ पर अलग जा रहा है, जिसमें संगीत के लिए। और ये आगे महाराज सही चल रहे भाई? अच्छा ये देखो क्या मस्त व्यू है। और यहाँ पर हमारी साइकिल Finally we are about to reach our destination. Yeah, Katrina? Yes. Can you say hi to the video? Yeah. Hi from Greece. Yeah, sir. In Greece. Yeah. So beautiful landscape. अभी महाराज आगे और हम पीछे पीछे। Almost done. हमारा लंच का टाइम हो गया है और काफ़ी बढ़िया जगह पे लंच इन्होंने रखा है। पूरा बुफे है और यहाँ पर ना माउंटेन का व्यू है। नाइस, साइकिलिंग करने के बाद तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बोटिंग के लिए। तो यहाँ पर हम बोटिंग करने आए हैं। तो आपने देखा है कि कितने सारे स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं टूरिस्ट के साथ साथ। तो इस ट्रिप के लिए भी कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग किसी और पॉइंट पे चले गए हैं। तो चलते हैं बोटिंग पॉइंट पर। यहाँ पर इस वक्त हमें जैपनीज़ टूर गाइड मिला है क्योंकि वी आर गोइंग विद जैपनीज़ ग्रुप। वो देखो बोटिंग पॉइंट, वहाँ से हमारी बोटिंग स्टार्ट होगी। तो भाई साहब हम सबसे आगे खड़े हैं और हमारे साथी भी हमारे साथ और ये हमारे जापानीज टूर गाइड हैं और हमारा नंबर आने वाला है। इनको इंग्लिश आती है ना? हाँ, बट ये जापानीज लोगों को हेल्प कर रहे हैं टूर गाइडिंग के लिए। और जो हमारे गाइड है वियतनामी है वो। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, स्कूल के बच्चे टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर हमें वहाँ पे भी मिले थे जहाँ हम टेंपल में गए थे। तो वी आर हैविंग गुड टाइम। Oh my God, this is so interesting यार। आई थिंक ये तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यार। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। बहुत पापा ऐसे मत करो, मम्मी आपका फोन गिरेगा। अभी हम केव में जाने वाले हैं, पता है? एंजॉय एंजॉय केव। अब हम केव में जा रहे हैं। ओह माय गॉड, 60 मीटर केव। ओह ये भाई भाई भाई। यस आवी ब्रो, कैसा लग रहा है? एंजॉइंग, मजा आ रहा है? पता यहाँ से हम लोग वापस नहीं आ सकते, वन वे है। अच्छा वन वे है, देखते हैं जरा। अभी तक एक भी वो नहीं दिखी जो वापस आ रही है। अच्छा आपको लग रहा है कि हम अच्छा उस वाली केव में जा रहे हैं दोबारा, तो इसका मतलब हमें वहाँ से पिकअप किया और ड्रॉप वो आगे जाके कर देगा। हाँ तब तक वैन वहाँ पे पहुँच जाएंगी। हाँ हो सकता है, मुझे लग रहा है। देखना दिखाओ ऐसे नहीं, ये देखो देखो। हाँ नाइस। टू मच प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर। You like India? Special country. पापा ये वाली जो केव है ये काफी। So भाई साहब 250 मीटर्स की केव आ गई है। पहले तो हमने छोटी केव की थी, नाउ हाँ वो 60 मीटर्स की थी, अब ये है 250 मीटर्स की केव। So bye 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 bye. तो भाई साहब इतना मज़ा आ रहा है इस वक्त कि बता नहीं सकता। और अभी बोल रहा है कितने मिनट का है, मुझे लग रहा है हमें आधा घंटा हो गया है और अभी भी हम बोट में घूम रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी? ये देखो, ये तो बस बोट चलाया जा रहा है। और पीछे भैया शिनचाओ, शिनचाओ शिनचाओ इज़ हेलो इन वियतनामीज। सो कैमरा करते बंद, एंजॉय द बोट। आप नहीं करने वाले। हाय सुनिश्का, हेलो हेलो हेलो। ये मैं ग्रुप में डालूंगा, ग्रुप में डालूंगा। Jangan Ninh Binh. Jalan. Jangan Ninh Binh. Jangan Ninh Binh. Okay. एक परसेंट खा लेता। देखो वहाँ से निकल कर आ रहे हो। इतनी पहाड़ों, उतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर से निकल कर आ रहे हैं। अरे वीरेंद्र जी कहाँ? वीरेंद्र जी। सो फाइनली हम अपनी लास्ट लोकेशन पर आ गए हैं आज की, और टुडे इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द टूर। तो दिस इज़ मुआ, MUA। पूरी डिटेल कुछ उसके बारे में देखूँगा। नहीं MUA बोलेंगे गोल्डन ड्रैगन, और उसका कुछ ना व्यू के बारे में है, एंड थोड़ा माउंटेन हाइकिंग भी है। नहीं वो सब तो नहीं, हाइकिंग क्या वो। अच्छा वो टेम्पल दिखाते हैं टॉप पर। अच्छा वो रहा, थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा। ओ सही है। हाँ क्या रखें? केबल वगैरह, केबल कार। देयर इज नो केबल कार, इट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू माय डियर फ्रेंड। वर्क हार्ड, पार्टी हार्ड एंड ईट हार्ड इन द इवनिंग। गाइस अभी हम यहाँ पे चढ़ाई चल रही है एंड काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक जाना है, अभी टाइम लगेगा। मम्मा पापा आराम आराम से आ रहे हैं, मैं अपना जितना कर पा रहा हूँ उतने हिसाब से जा रहा हूँ। बाकी यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, पहाड़ इतने ऊंचे। बाकी तो काफ़ी सही है यहाँ पे सब कुछ, एवरीथिंग इज़ नाइस। बहुत सारे लोग हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, लुक्स वेरी गुड। अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से, काफ़ी अच्छा लगता है। कितना जगह है, स्पेशली अगर इंडिया से होते हैं तो और अच्छा लगता है। लुक्स गुड। अभी हमें जाना है वहाँ, उधर उधर वो ऊपर उधर तक जाना है हमें। चलो चलते हैं। सो फाइनली हम टॉप पर आ गए हैं और ये मोबाइल कैमरा कभी भी बंद हो सकता है, बट पीपल आर गेटिंग क्लिक्ड। पिक्चर के लिए बहुत ही मेस्मराइजिंग स्पॉट है। कमिटमेंट कर दी है कि मम्मी मेरे को हाथ वाला फैन दिलाएगी मीशो से। कल ले लेंगे, निकल ले लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिलाया तो कहीं भी दिला देगी। फिलहाल आज का टूर हमारा खत्म होता है इसी के साथ। इनका गॉगल गिर गया है और आदि थोड़ी हेल्प करना चाह रहा है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग में। कल हमारा लास्ट डे है वियतनाम में, मतलब ऑफिशियली कल नहीं है, परसों है, लेकिन कल ये होगा कि हमारी क्रूज राइड और वियतनाम को टाटा बाय बाय कर देंगे। मतलब इनका फेमस स्ट्रक्चर या मम्मी राउंड के लिए प्लान लास्ट है, टूर लास्ट है, उसके बाद तो बस चेकआउट है। चेकआउट देन घर जाना। चलो फाइनली साइनिंग ऑफ, वीरेंद्र रोशन, गुड बाय, टेक केयर।